हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेमोरी कार्ड तो आप सभी ने लिए होंगे, लेकिन दिक्कत होती है तब जब लेना होता है नया कार्ड, या तो अपने कैमरे या फिर फोन के लिए या फिर किसी और गैजेट के लिए। और जब आप जाते हैं मार्केट या ऑनलाइन ऑप्शन सर्च करते हैं तो होता है बहुत ही कन्फ्यूजन कि कौन सा लें और कौन सा ना लें, और ले लेते हैं कुछ ऐसा जिससे हम सेटिस्फाई नहीं होते या फिर वो कार्ड हमारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ जब मैंने मिनी 3 प्रो ड्रोन परचेज किया और उसमें मेरे पास अवेलेबल माइक्रो एसडी कार्ड डालते ही मैसेज शो हुआ कि एसडी कार्ड स्पीड स्लो। तो फिर मैंने परचेज किया ये सैंडिस्क एक्सट्रीम प्रो माइक्रो एसडी कार्ड। सो आज की वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाली है, जहां हम कंपेयर करेंगे इन माइक्रो एसडी कार्ड्स को विद रियल टाइम रीड एंड राइट स्पीड। अगर आप हाई रेजोल्यूशन वीडियो अप टू 4K रेजोल्यूशन तक शूट करते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। हर एक कार्ड डिफरेंट डिफरेंट स्पीड कैटेगरी के होते हैं और हर एक माइक्रो एसडी कार्ड की स्पेक्स डिटेल आप उस पर प्रिंटेड कोड के थ्रू भी जान सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 3 टाइप्स ऑफ माइक्रो एसडी कार्ड्स, सैंडिस्क अल्ट्रा, सैंडिस्क एक्सट्रीम एंड सैंडिस्क एक्सट्रीम प्रो। तो पहले इनकी कंपनी प्रोवाइडेड रीड एंड राइट स्पीड और अदर कुछ स्पेक्स जान लेते हैं। फर्स्ट इज सैंडिस्क अल्ट्रा, जिसमें कंपनी क्लेम करती है स्पीड अप टू 100 Mbps, और ये सुटेबल है फॉर मोबाइल डिवाइसेस एंड रिकॉर्डिंग फुल HD वीडियो, मींस टिल 1080p रेजोल्यूशन वीडियो। नेक्स्ट इज सैंडिस्क एक्सट्रीम, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड अप टू 190 Mbps एंड राइट स्पीड इज अप टू 90 Mbps तक मिल जाएगी एंड इज सुटेबल फॉर मोबाइल डिवाइसेस, एक्शन कैम एंड ड्रोन्स, जिसमें आप 4K वीडियोस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड फाइनली सैंडिस्क एक्सट्रीम प्रो, जिसमें कंपनी क्लेम करती है रीड स्पीड 200 Mbps एंड राइट स्पीड अप टू 90 Mbps एंड इज सुटेबल फॉर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, और ये कार्ड एक्सट्रीम या हार्श टेम्परेचर कैपेबल भी है। और अब टेस्ट करते हैं इनकी रियल टाइम रीड एंड राइट परफॉर्मेंस। टेस्ट करने के लिए आई एम यूजिंग क्रिस्टल डिस्क मार्क सॉफ्टवेयर एंड लैपटॉप विद SSD हार्ड ड्राइव। पहले सैंडिस्क अल्ट्रा को टेस्ट करते हैं। तो एक्चुअली सैंडिस्क अल्ट्रा माइक्रो एसडी कार्ड की रीड स्पीड अराउंड 82 Mbps एंड राइट स्पीड अराउंड 47 Mbps मिल जाती है। और अब टेस्ट करते हैं सैंडिस्क एक्सट्रीम को। और सैंडिस्क एक्सट्रीम माइक्रो एसडी कार्ड की एक्चुअल रीड स्पीड अराउंड 93 Mbps और राइट स्पीड अराउंड 70 Mbps मिल जाती है, जो कि अल्ट्रा से ऑलमोस्ट डबल है। फाइनली अब टेस्ट करते हैं सैंडिस्क एक्सट्रीम प्रो को। और सैंडिस्क एक्सट्रीम प्रो माइक्रो एसडी कार्ड की एक्चुअल रीड स्पीड अराउंड 93 Mbps एंड राइट स्पीड अराउंड 85 Mbps मिल जाती है, जो सैंडिस्क एक्सट्रीम माइक्रो एसडी कार्ड से अराउंड 15 Mbps ज़्यादा है। बट अगर आप 4K वीडियो विद हाई बिट रेट रिकॉर्ड करते हैं तो ये डिफरेंस काफ़ी मैटर करता है। सो फाइनली तीनों कार्ड्स टेस्ट करने के बाद इट्स क्लियर, अल्ट्रा इज गुड फॉर डेटा एंड मोबाइल डिवाइसेस इफ यू आर रिकॉर्डिंग वीडियो ओनली इन HD क्वालिटी, मींस इन 1080p। अगर अल्ट्रा SD कार्ड में 4K वीडियो या बर्स्ट पिक्स कैप्चर करेंगे तो परफॉर्मेंस में काफ़ी लैग फील होगा और हो सकता है सही से रिकॉर्ड भी ना हो। गो फॉर सैंडिस्क एक्सट्रीम अगर आप बेटर परफॉर्मेंस चाहते हैं एंड यूज टू रिकॉर्ड 4K वीडियोस। तो आई विल रिकमेंड एक्सट्रीम माइक्रो एसडी कार्ड फॉर एनी मोबाइल एंड एक्शन कैमरास इन द मार्केट। सो बेसिकली सैंडिस्क एक्सट्रीम इज द कार्ड जिसे आपको कंसिडर करना चाहिए नाउ अ डेज किसी भी टाइप के गैजेट के लिए। एक्सट्रीम प्रो पे तभी जाएं अगर आप हाई रेजोल्यूशन वीडियो एट 100 Mbps या इससे ज्यादा बिटरेट पे रिकॉर्ड करते हैं, या फिर आप हार्श एनवायरनमेंट या हाई टेंपरेचर एरिया में रिकॉर्ड कर रहे हो। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं एंड प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।